उत्तराखंड के ऊर्जावान मुख्यमंत्री श्री पुष्कर सिंह धामी, जो राज्य के संपूर्ण विकास के लिए हैं हर दम समर्पित। अपने पहले सफल कार्यकाल के बाद अब धामी 2.0 सरकार ने 100 दिन पूरे होने के भीतर ही अनेक कल्याणकारी फैसले लेकर साफ कर दिया है कि हर कार्य हर नीति के केंद्र बिंदु में है राज्य और लोगों का विकास। वृद्धावस्था पेंशन की राशि 1,000 रूपए से बढ़ाकर 1,500 रूपए प्रतिमाह कर दी गई है। पात्र पति पत्नी दोनों को मिलेगी पेंशन। विधवा और दिव्यांग जन पेंशन भी अब 1,500 रूपए हुई। अतिथि शिक्षकों और शिक्षा मित्रों के मानदेय में हुई बढ़ोतरी। वीरता पुरस्कार प्राप्त वीर सैनिकों की सम्मान राशि में भारी वृद्धि की गई। गरीब परिवारों के लिए 3 मुफ्त सिलेंडर और सीएम किसान प्रोत्साहन निधि की जल्द होगी शुरुआत। पांवटा साहिब और देहरादून के बीच 4 लेन के निर्माण के लिए केंद्र सरकार से मिला 1,093 करोड़ रुपए से अधिक का बजट। टिहरी झील विकास के लिए 1,930 करोड़ रुपए का प्रावधान। 4 धाम सर्किट के अंतर्गत मंदिरों और गुरुद्वारों में सुविधाओं के विस्तार के साथ साथ कुमायों के प्राचीन मंदिरों को भव्य बनाने के लिए मानस खंड मंदिर माला मिशन का होगा शुभारम्भ। यूनिफॉर्म सिविल कोड के क्रियान्वयन के लिए विशेषज्ञों की समिति का गठन और अराजक तत्वों को देवभूमि से दूर रखने के लिए व्यापक स्तर पर नागरिकों का सत्यापन अभियान चलाया जा रहा है। भ्रष्टाचार को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए भ्रष्टाचार मुक्त ऐप 1064 को लॉन्च किया गया है। जन शिकायत